नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विचार्स। आज के वीडियो में हम टीवी सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड सर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे रिवर्सल चार्ट स्ट्रक्चर शो कर रहा है आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेड, एंड जिस टाइप का प्राइस सेटअप शो कर रहा है आने वाले टाइम लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है एंड उससे ऊपर भी जा सकता है, तो किस टाइप का रिस्क शॉट बनना है डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप इस स्टॉक का सेक्टर देखेंगे लॉजिस्टिक्स का एंड इंडस्ट्री है मिसलेनियस का। जैसे कि स्टॉक का जो मार्केट कैप है 7939 करोड़ का, कंपनी के पास रिजर्व कैश है 1745 करोड़ का, बुक वैल्यू है इसका 40.7 का एंड करंट प्राइस अभी है 180। अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री पे देखेंगे 40 एंड स्टॉक का पे अवेलेबल नहीं है बिकॉज अभी आफ्टर थ्री क्वार्टर लॉस अभी फाइनली डिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट जनरेट किया है जो कि पॉजिटिव साइन है। प्रमोटर होल्डिंग है 43.2%, डेट इक्विटी 1.24 जो कि हायर साइड के ऊपर है, अबव 1 है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे देखिए सेल्स का ग्रोथ लगभग यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन आफ्टर थ्री क्वार्टर लॉस डिसंबर क्वार्टर में कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है जो कि पॉजिटिव साइन है। नहीं तो प्रीवियसली देखिए लगातार थ्री क्वार्टर कंपनी यहाँ पे लॉस डिक्लेयर किया था। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे तो देखिए प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं 43%, एफआई के पास माल है 0.37%, डीआई होल्ड कर रहे हैं 6.60% एंड पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 49.86%। अगर पब्लिक कैटेगरी में बिग इन्वेस्टर का होल्डिंग देखेंगे बिग इन्वेस्टर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं अराउंड 30%, टोटल माल है 50-30% यहाँ पे बिग इन्वेस्टर के पास, तो पब्लिक के पास माल है 20% जो कि मैनेजेबल है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन 20% के नीचे उसको आप मैनेजेबल कंसीडर कर सकते हैं एंड इस स्टॉक में तो यहाँ पे रिटेल होल्ड कर रहे हैं ओनली 20%। उसके साथ टेक्निकल चार्ट में डेली टाइम फ्रेम में रिवर्सल स्ट्रक्चर शो कर रहा है एंड जिस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है आने वाले टाइम में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो चलते हैं चार्ट के, जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने देखिए जो चार्ट ओपन हुआ है ये ओपन है टीवीएस सप्लाई चेन का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है डेली का। इस स्टॉक का प्राइस देखिए यहाँ पे आईपीओ लिस्ट हुआ था, उसके बाद एक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ था एंड प्राइस यहाँ पे टॉप ट्रेड किया था नियर 258 का। उसके बाद देखिए प्राइस जब भी इस रेड लाइन को टेस्ट कर रहा था प्राइस को वहां पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला था एंड अभी तक देखिए प्राइस कभी भी ना हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया नहीं है एंड इस स्टॉक का प्राइस के लिए एक मेजर एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है रेड लाइन, जिस लेवल से एग्जैक्टली देखिए प्राइस यहाँ पे सप्लाई मिला था एंड यहाँ पे जिस टाइप का प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है लुक्स लाइक मंडे प्राइस ना उसका जो मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है इस लेवल को ब्रेक कर देगा एंड डेली टाइम फ्रेम में देखिए क्लियर कट एक हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया है एंड आज पर दी फॉर्मेशन प्राइस को जाकर लाइव हाई को टेस्ट करना चाहिए जो कि लेवल बन रहा है 258 का। उसी केस में जो उसका प्रीवियस स्विंग लो है वहां पे एग्जिट पॉइंट हम डिसाइड कर सकते हैं जो कि बन रहा है बिलो 151 का। अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 151 के नीचे सस्टेन करता है उसी केस में चार सेटअप इनवैलिड हो जाएगा, नहीं तो आने वाले टाइम में पहला टारगेट बनेगा 258 जो कि लाइफ हाई एंड 258 को ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा उसके लिए हम यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन को, क्योंकि लाइफ हाई के ऊपर कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल नहीं होता है। 258 एंड 327 जो कि 1.618 फिबो लेवल इस टारगेट को प्राइस टेस्ट कर सकता है। 258 एंड 327 इस दोनों टारगेट बन सकता है अगर प्राइस उसका प्रीवियस स्विंग लो 150 को ब्रेक नहीं करता है एंड हमेशा से तो क्वांटिटी को मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।